स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट के बारे में, जिसका रिजल्ट 26 अगस्त को आना तय माना जा रहा था, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और अब ये अनुमान है कि इसका रिजल्ट आने वाले 2 से 3 दिनों में, यानी कि अगस्त के एंड तक, यानी कि 31 अगस्त तक इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके परिणाम में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही लास्ट वीडियो में बात की थी कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, क्या इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपका रिजल्ट 31 अगस्त तक जारी हो सकता है, यानी कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। जब भी कोई भर्ती होती है, इसके पश्चात 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि रिजल्ट बनने में ही देरी हो रही है, तो इसके पीछे कारण नेगेटिव माने जा सकते हैं, यानी कि उससे अभ्यर्थियों को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा सकता है कि रिजल्ट बनने में ही देरी हो रही है, यानी कि कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। लेकिन अगर रिजल्ट बन जाता है, उसे जारी करने में देरी की जा रही है, इसके पीछे कारण ये है कि बोर्ड अभ्यर्थियों के हित में प्रयास कर रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हो सके, इसके पीछे बोर्ड का प्रयास चल रहा है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि डिलीट होने वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जा रही है, या फिर जो क्वेश्चन अगर हटाए जा सकते हैं, या बोनस जैसी जो चीज़ें हैं, अगर उस पर जो है बोर्ड अगर प्रयास कर रहा है तो अभ्यर्थियों के हित में रहेगा, क्योंकि परिणाम बन चुका है, यानी कि रिजल्ट तैयार किया गया है। अब उसमें जो देरी हो रही है, इसके पीछे के कारण ये हो सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि रिज़ल्ट बनने के बाद, यानी कि एक बार रिज़ल्ट बन जाता है तो उसके पश्चात उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें कि ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, या कुछ क्वेश्चंस को और डिलीट किया जा सकता है जिन क्वेश्चन पर ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किए हैं। तो ये प्रमुख कारण है कि जो रिज़ल्ट देरी हो रही है, इसके पीछे का कारण ये हो सकता है। साथ ही बोर्ड ने ये भी कहा था कि जो कार्मिक विभाग से है, कार्मिक विभाग से एक बार अनुमति लेनी होगी अगर क्राइटेरिया को हटाया जाता है। तो हो सकता है कि इस पर भी जो है विचार किया जा रहा है कि क्या क्राइटेरिया को हटाया जा सकता है या नहीं, या फिर क्राइटेरिया में कोई शिथिलता दी जा सकती है या नहीं, इस पर भी विचार किया जा रहा है। क्योंकि अगर पोस्ट खाली रह जाती है तो अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग ज़रूर की जाएगी कि शिथिलता दी जाए, तो हो सकता है बोर्ड पहले से ही इस काम को कर ले और शिथिलता दी जा सकती है इस जो भर्ती में, तो यहाँ पर रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन ये अनुमान है कि 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। यहाँ पर ये भी अनुमान है कि लगभग 6 प्रश्न डिलीट होंगे फाइनल आंसर की में, और लगभग 7 प्रश्नों के विकल्प बदल सकते हैं दोनों पेपर के मिलाकर। ठीक है, हो सकता है इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, यानी कि 6 प्रश्न की जगह हो सकता है 8 प्रश्न भी डिलीट हो जाएं, और वही बात करें तो लगभग 7 प्रश्नों के विकल्प बदलने जा सकते हैं, और इसके कारण ही कई अभ्यर्थी सेलेक्ट होने की सूची में आ जाएंगे, यानी कि सेलेक्ट हो जाएंगे अगर ये चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जो गलत क्वेश्चन है वो वास्तविकता में गलत भी है, तो उन्हें डिलीट किया जाना चाहिए, इससे भी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। साथ ही जो क्वेश्चन के ऑप्शन पहले वाली आंसर की में गलत दिए गए थे, उनके भी आंसर बदले जाने चाहिए, इससे भी अभ्यर्थियों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और लगभग आप मान के चलिए जिस भी अभ्यर्थी ने कुछ मेहनत की थी लेकिन पहले वाली आंसर की से उसके नंबर नहीं बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत क्वेश्चन भी थे और कुछ के ऑप्शन गलत माने गए थे, तो अगर ये चीज़ें हो जाती है तो आसानी से 33 या 35 नंबर वाला भी 40 प्लस पहुँच जाता है। तो यहाँ पर दोगुने अभ्यर्थी मिलने की जो अनुमान है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो दोगुने अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे इसकी संभावनाएँ बढ़ जाती है। इन चीज़ों के बाद लगभग दोगुने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, और हो सकता है कि दोगुने अभ्यर्थियों के चयन के लिए क्राइटेरिया में भी कमी की जा सके, क्योंकि रिजल्ट आने में देरी हो रही है। रिजल्ट बन तो गया है लेकिन आने में देरी हो रही है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि क्राइटेरिया पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बोनस मिलने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन बोर्ड अगर चाहेगा तो बोनस भी दिया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि पेपर 1 और पेपर 2 में से कौन से क्वेश्चन हैं जो चेंज हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग यही वो क्वेश्चन रहने वाले हैं जिन्हें डिलीट या चेंज किया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है या फिर ऑप्शन में परिवर्तन किया जा सकता है, यही वो क्वेश्चन होने वाले हैं। हो सकता है यही वो क्वेश्चन हो, या फिर इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वास्तविकता में चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन ना हो, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन होने वाले जिन्हें चेंज किया जा सकता है और ये अभ्यर्थियों के हित में रहने वाला है।
इसके अलावा अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो लगभग आपकी कट ऑफ ये रहने का अनुमान है, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। जनरल ओबीसी, AEWS, MBC, SC, ST या नॉन TSP एरिया के कट ऑफ और आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सीटें खाली रहती हैं तो आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर सीटों को भर दिया जाता है यानी कि दो गुना अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी कट ऑफ जो है फाइनल वो काफ़ी ज़्यादा, यानी काफ़ी भी नहीं लेकिन ठीक ठाक ज़्यादा जा सकती है। आप ये मान के चलिए अगर आपके जनरल कैटेगरी में 95 के आसपास नंबर हैं तो आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे दो गुना अभ्यर्थी पास किए जा रहे हैं या नहीं, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये है कि जो मैक्सिमम जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो 50 से बहुत कम जाने वाली है, 50% से कम जाने वाली है, यानी कि कट ऑफ कुछ भी जाएगी तो भी 100 से कम ज़रूर रहेगी, यही हमारा अनुमान है। तो आपका रिजल्ट जल्दी ही जारी होने वाला है और इसके पश्चात जो रिज़ल्ट जारी होगा, यानी कि जो रिज़ल्ट जारी होने वाला है, इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है बोनस दिया जा सके या फिर जो क्राइटेरिया है उसको भी कम किया जा सकता है, तो ये सभी संभावनाएं बन रही है। एक बार अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके पश्चात ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बोर्ड के द्वारा की गई है और आगे अभ्यर्थियों को क्या करना है, यानी कि अगर दोगुना अभ्यर्थी यानी कि जो पद है अगर पद खाली रह जाते हैं तो क्या उस पर शिथिलता दी जाएगी, तो इस पर भी प्रयास करना होगा अभ्यर्थियों को, तभी कुछ मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये था हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।